कारवां टीवी हर पल आपके साथ। स्वागत है आपका कारवां टीवी में। मैं हूं आपके साथ रियाज गुड्डू अंसारी। बरेली जिला के कस्बा सिंहतल में तशरीफ फरमा है चिराग अली शाह बाबा रहमतुल्लाह अलैह, जिनका मजार आप सामने देख सकते हैं। उनका दीदार हम आपको करा रहे हैं। यहां पर और भी सब धर्म के लोग यहां पर मन्नत मांगने के लिए आते हैं। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी लोग यहाँ पर मन्नत मांगने के लिए आते हैं। यहाँ पे आप कैमरामैन से मैं कहूँगा कि दिखाएं कि यहाँ पर दुकानें लगी हुई हैं, न्याय जो नज़र की दुकानें लगी हुई हैं, चादरें चढ़ रही हैं, फूल जा रहे हैं, सिडनी जा रही हैं, बड़ी संख्या में महिलाएं हमारी माँ बहनें आई हुई हैं। यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर हमारी हिंदू धर्म की जो माँ बहनें वो भी आती हैं और पूरी तरीके से अपनी मन की मुरादें पूरी लेकर जाती हैं। ये देख सकते हैं आप, यहाँ पर बड़ी संख्या में न्याज दरूद हो रही है और मेरे ठीक पीछे बाबा चिराग अली शाह बाबा की दरगाह है। और हमारे साथ यहाँ वार्ड नंबर 7 के जिला पंचायत सदस्य हाजी मुन्ने अंसारी साहब बने हुए हैं। हम उनसे बात करेंगे कि ये मेला कब से शुरू होता है और यहाँ पर कव्वालियाँ कब से शुरू होती हैं, कव्वालियों का चलन कब से पड़ा। ये हमारे हाजी मुन्ने अंसारी साहब हमारे साथ बने हुए हैं। हाजी मुन्ने अंसारी साहब, आपका बहुत बहुत कारवां टीवी में स्वागत है। छोड़ दीजिए, कारवां टीवी के जितने भी रिपोर्टर लोग हैं उनको मेरी तरफ से आदाब। ये चिरागी साहब में हुजूर रहमतुल्लाह शाह अलैह का दरगाह है। यहाँ पर जब से हमने होश संभाला है उस टाइम से एक उर्स का आगाज चला आ रहा है और यहाँ पर तमाम दूर दराज के लोग अपनी अपनी मुरादें लेके आते हैं, सबकी मुरादें कबूल होती हैं। यहाँ पर हमारे यहाँ एक चलन था अब से 25-30 साल पहले, यहाँ पर नाच गाने का एक कार्यक्रम होता था जिसमें यहाँ पर नेत्रिनी आती थी, वो अपनी पहली चादर चढ़ाती थी, उसके बाद में यहाँ पर और लोग अपनी चादरों का सिलसिला जारी रखते थे। मगर मेरे वालिदे मरहूम बाबू बेचन कव्वाल ने 20 साल से इस चलन को ख़त्म कर दिया था और यहाँ पर उर्स के दौरान में कव्वाली का प्रोग्राम चलता था। बहुत मशहूर और मशरूफ कव्वाल यहाँ पर आते थे। यहाँ पर कोई ऐसा बरेली नहीं बल्कि आसपास के ज़िले का कोई भी आदमी नहीं है कव्वाल जो यहाँ दरगाह पर अपनी हाजिरी देके ना गया हो, और हर आदमी अपनी मुरादें पूरी करके जाता है, झोलियाँ भर के जाता है। ये मेरी यहाँ के जितने भी जारीन हैं मजार के उन सब से और तमाम जितने भी लोग यहाँ पर आते हैं उन सब से मेरी मुराद है इस दरगाह को साफ़ सुथरा और अच्छा करके रखें, जो सबकी मुरादें आगे तक के लिए। हाजी साहब, जानना चाहेंगे यहाँ पर किस के धर्म के लोग आते हैं? यहाँ पर कोई ऐसा धर्म नहीं है जिस धर्म का आदमी नहीं आता है, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई, और यहाँ पर ख़ास तौर से पहाड़ी क्षेत्र से बहुत लोग आते हैं जो अपनी मुरादें और झाड़ू बदना का यहाँ पर एक चलन है जिसके दाने मशहूर हो जाते हैं, उसमें बाबा के यहाँ पर अपनी झाड़ू और बदना देते हैं, यहाँ से दुआ होती है, अल्लाह उनको शिफा दे देता है। ये झाड़ू बदने जगह जगह पर दिख रहे हैं, मैं कैमरामैन से कहूँगा कि झाड़ू बदने दिखाएं। तो ये झाड़ू बदने इसलिए चढ़ाए जाते हैं कि जिसके कील मुहासे या दाग धब्बे हों उन दाग धब्बों को बाबा के करम से दूर किया जाता है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे पीछे, यहाँ पर एक हमारी हिंदू बहन आ रही है, हम उससे बात करेंगे कि कहाँ से वो आए हैं, कहाँ से आए हैं आप? परेबा कुरमियान से आए हैं। हाँ। कितनी बार यहाँ पर दरगाह पे आए हैं आप? यहाँ पर तो हम तो बार बार आते ही रहते हैं। नाम क्या है आपका? उपासना। उपासना। हाँ। उपासना जी, कितनी बार मतलब आपके यहाँ पर मन्नतें पूरी हुई हैं? यहाँ पर तो कई बार मन्नतें पूरी हुई हैं हमारी। अच्छा, तो हमारी एक और बहन है, बहन जी क्या नाम है आपका, कहाँ से आते हैं, जरा कैमरे के सामने आ जाइए। शर्मा रहे हैं, यहाँ पर मन्नत तो मांग सकते हैं लेकिन कैमरा के सामने नहीं आएंगे, ये यहाँ पर कुछ शर्म भी है यहाँ पर। आपने देख लिया कैमरे की, कैमरामैन से कहूँगा कि उधर भी दिखाएं, हमारी माँ बहनें आ रही हैं, हिंदू माँ बहनें। ये इधर गई, किस तरीके की दुकानदारी हो रही है यहाँ पर,
भाई का नाम है आपका? शजर अब्बास। सदर अब्बास जी, सदर अब्बास जी, किस तरह की दुकानदारी हो रही है यहाँ पर? यहाँ पर बढ़िया, अपने बाबा का करम है, बहुत बढ़िया दुकानदारी होती है। कहाँ कहाँ से लोग आते हैं यहाँ पर? यहाँ पर बहुत बहुत दूर से आते हैं, लखनऊ, दिल्ली, कहाँ से? नवाबगंज, शाहजहाँपुर, हरदोई, सब जगह से आते हैं यहाँ लोग। तो आपने देख लिया, यहाँ पर दुकानदारों ने बताया कि यहाँ पर बड़ी बड़ी दूर दराज से लोग आते हैं। हमारे और दुकानदार यहाँ पर हैं, उन दुकानदारों से भी पूछेंगे। क्या नाम है आपका? अख्तर नाम है। अख्तर जी, किस तरीके की दुकानदारी हो रही है मौके पर? सही हो रही है, अच्छी हो रही है। किस तरीके की बिक्री हो रही है? सही हो रही है बिक्री। क्या नाम है? कहाँ कहाँ से लोग आ रहे हैं यहाँ पर? बहुत बहुत दूर से लोग आते हैं, मुरादें पूरी होती हैं लोगों की। हाँ, जो आते हैं तारीफ भी करते हैं। लोटा और ये झाड़ू रखी हुई है, कितनी रखी हुई है? ये दान होने आए, वहाँ से आए, वैसे आए, अपने उनके ख़त्म होते हैं जो लोगों के, उसकी मुराद मांग के जाते हैं, धोती है, फिर ख़त्म हो जाते हैं, उसी चढ़ाते हैं फिर जो लोग। तो देख लिया आपने, यहाँ पर जो यहाँ पर लोटा रखा हुआ है, झाड़ू रखी हुई है, यहाँ पर कील मुहासे दाग धब्बे जो हो जाते हैं, तो बाबा के करम से यहाँ पर फैजियाब होके जाते हैं। बने रहिए कारमा टीवी में, हम दिखाते रहेंगे आपको पल पल की अपडेट। तब तक के लिए खुदा हाफिज़। जय हिंद। कारवां टीवी, हर पल आपके साथ।